स्वागत है आपका दोस्तों बिहार एप्टा के लाइव पॉडकास्ट के 8वें संकलन में। और आज हमारे पास एक बहुत खास व्यक्ति जुड़ गए हैं जो नहीं सिर्फ एप्टा के बट पटना बिहार और हिंदी कहानियों के बहुत करीब हैं। तो आज हम लोग तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे एक कहानीकार उपन्यासकार लेखक सुलभ सर का। सुलभ सर स्वागत है आपका बिहार एप्टा के लाइव पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज जब हम लोग की बातचीत होगी जो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा साहित्य और आज के समय पे कि जो साहित्य रहा है पहले से चलता आ रहा है और ऐसे वक्त में आज जो पूरा राजनीतिक उथल पुथल के दौर से भी हम लोग गुजर रहे हैं उसमें भी साहित्य की क्या भूमिका हो जाती है और एक रंगमंच के भी तरीके से कहानियों की नाटकों की क्या भूमिका हो जाती है आज हम लोग उस पर बातचीत करेंगे साहित्य और आज का समय कहानियां और आज के समय में। मेरा पहला सवाल सर आपसे इसी बारे में है कि आज के वक्त में जब हम लोग नाटक खेलना चाहते हैं या फिर किताबें पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग पुराने नाटक पुराने लेखकों को ही ज्यादा पढ़ रहे हैं। वो जो एक गैप आ गया है हिंदी साहित्य में वो गैप ठीक एक क्या वजह रही है अगर हम हिंदी साहित्य में हम लोग अगर देखते हैं बाकी तौर पे तो आलोचना जी कविताओं में कहानियों में आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया है हिंदी साहित्य में खासकर बिहार में तो क्या वजह रही कि वो गैप आ गया उसको कैसे हम लोग आमिर सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि साहित्य जो है वो समाज का उत्पाद है। जैसा समाज होगा जैसा हमारा जीवन होगा वैसा ही साहित्य होगा और साहित्यकार लेखक कवि नाटककार ये किसी दूसरी दुनिया दूसरे लोक के व्यक्ति नहीं होते। ये हमारे आपके बीच ही पैदा होते। जैसा हमारा समाज होगा वैसा ही उत्पाद आपको मिलेगा। तो हम किसी दूसरी दुनिया से आने वाले लोग नहीं हैं, हम इसी दुनिया के बीच पालित होते हैं पोषित होते हैं हमारी तैयारी होती है। तो समय बहुत तेजी से बदल रहा है संसार बहुत तेजी से बदल रहा है हमारे सुख और दुख ये बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और खास तौर पर हम अगर अपने भारत की बात करें अपने देश की बात करें तो एक लंबा सिलसिला रहा आजादी के बाद कि हमने अपने गांवों को अपने छोटे कस्बों को उसके बाद के शहरों को धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू किया। शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ और विकास के नाम पर हमने जो कुछ भी किया जो कुछ भी दिया वो शहरों को दिया। गांव जो हमारे मूल थे हमारे जीवन का मूल स्रोत गांव थे हमारी कृषि व्यवस्था थी ऐसा कहा जाता था बचपन में हम सबने पढ़ाया शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो कि भारत का 80% गांव में बसता है। लेकिन हमने उन गांवों को चौपट कर दिया हमने अपनी कृषि की व्यवस्था चौपट कर दी। गांव से जो भी हमारा जुड़ाव था वो बहुत एक तरह से शोषक वाला रिश्ता हो गया सत्ता और शहर का। शहर ने अपने लिए तमाम संसाधन गांव से लिए बदले में गांव को कुछ नहीं दिया। तो हुआ क्या कि हमारा पूरा जीवन शहर केंद्रित जीवन होता गया। धीरे धीरे जो बड़े नगर हैं महानगर हैं उनकी ओर हम भागते गए रोजगार की कमी उद्योग भी जो लगे वो बड़े शहरों में लगे गाँव में नहीं लगे। हमने कृषि आधारित उद्योग बिहार की अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो बिहार में जो भूमि नहीं है खाली भूमि नहीं है बिहार में जो भी भूमि है वो कृषि की भूमि है और नदियों से घिरा हुआ है पूरा प्रदेश। खास तौर पर उत्तर बिहार की बात करें तो नदियों का जाल बिछा हुआ है। तो ऐसे में हमने अपने गांव को छोड़ दिया वहां कोई उद्योग धंधा नहीं तो गांव छोड़ करके लोग जो है भागना शुरू हुए पटना में पलायन किसी शहर में शहर की तरह जी वही पलायन शहर की मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने रोजी रोजगार के चक्कर में गांव छोड़ दिया। प्रतिभाएं गांव से ही आती थी। आप देखेंगे कि हिंदी का पूरा जो लेखन का संसार है
उसमें जितने महत्वपूर्ण लेखक हुए वे सब गांव से आए। यहां तक कि प्रेमचंद का गांव था बनारस के पास ही है, हालांकि वो शहर के बिल्कुल करीब है लम्ही, लेकिन गांव से ही लोग आए, अधिकांश लेखक हमारे गांव से आए जी। अब हुआ क्या कि गांव छूट गए, गांव से लोग भागने लगे, शहर केंद्रित होते हैं। नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं तो जैसे ही पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं उन पर रोजगार का दबाव इतना ज्यादा होता है, चाहे उनके अभिभावक हो या हमारा ये पूरा समाज, उनके ऊपर ऐसा दबाव डालता है रोजगार के लिए, कमाई के लिए। अब आप देखिए दूसरी तरफ यह दुनिया पूंजी का जो नंगा खेल चल रहा है, जो गंदा खेल चल रहा है, जिसमें मनुष्य लालची होते जा रहा है। हमारा स्वभाव जो है सो धन अर्जन करने का, एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह धन अर्जित करो। तो जो हाँ, तो पूरे पूरा जो हमारे हमारा जो पालन पोषण हुआ उसमें यह नहीं था या कम था जी। तो हम सब गांव से अगर निकल के भी आए तो हमने अपने लिए एक दुनिया चुनी, हमारे अभिभावक ने, हमारे माता पिता ने, या हमारा हमारे इर्द गिर्द हमारा घर परिवार और समाज जो था उसने हमको ये छूट दी कि हम अपनी रुचि के अनुसार अपने लिए दुनिया चुने। हमने लिखने की दुनिया चुनी, किसी ने नाटक करने की दुनिया चुनी, किसी ने संगीत की दुनिया चुनी। आज ये नहीं है, आज इतना दबाव है कि बच्चे जो है यह सोच नहीं पा रहे हैं वो क्या करें। उनके सामने सिर्फ धन धन की पिपासा और सब, यहां तक कि हम संबंधों को भूल गए हैं अर्जन के चक्कर में। तो ऐसे में आप बताइए कि हमारे बाद की नई पीढ़ी कहां बिहार में रुकेगी, कहां पटना में रुकेगी, अगर क्योंकि पटना में भी कोई रोजगार नहीं है, उसको दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद पलायन करके जाना पड़ता है जी। तो हम जब अपने मूल से कट जाएंगे, अपनी जड़ों से कट जाएंगे, तो संस्कृति की दुनिया, साहित्य की दुनिया अपनी जड़ों से जुड़े रहने के बाद ही संभव है। जब तक आप मौलिक रूप से अपने जीवन के स्रोतों को नहीं पहचानेंगे आप कुछ भी लिख नहीं सकते, रच नहीं सकते। तो जो भी नए लेखक आ रहे हैं, नए कवि आ रहे हैं, उनके सामने भी रोजगार का संकट है। हिंदी में अभी ये स्थिति नहीं है कि आप कविता कहानी लिखते हुए जीवन यापन कर सकें, ये स्थिति नहीं। उसके लिए या तो आप फिल्म लिखिए, जो एक अलग विधा है, फिल्म एक कला की नई विधा है, महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन आप उस आप फिल्म लिख करके भले, फिल्म लिख करके भी कितने लोग सफल हो रहे हैं जी। लिखने पढ़ने की जो दुनिया है उस दुनिया से पेट जब नहीं भरता है तो लोग भाग रहे हैं। तो ये संकट है, पीढ़ियां नई पीढ़ियां नहीं तैयार हो पा रही हैं, या नई पीढ़ी में कम लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उसका यही कारण है। लोगों की उपस्थिति है पर वह उपस्थिति छीण है, पहले की अपेक्षा कमजोर है जी। सर आपने अभी एक मौलिक बात कही कि अपने स्रोत से, अपने मूल से, अपनी मिट्टी से, अपने संस्कृति से दूर नहीं हटना चाहिए। सर तो जो हमारे दर्शकगण हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं, वो प्री मेजरली एक यंग क्राउड है जो आज हमें देख रहा है, और हमारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है इस चीज़ पर बात करना कि आप लोगों ने कैसा वक्त देखा जब आपके साथ जिन राइटर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, वो आपके साथ स्टूडेंट्स थे या आपके फेलोज़ थे, पटना में क्या माहौल था, बिहार में क्या माहौल था, क्या उस वक्त भी पलायन हो रहा था, उस वक्त रोजी की यही दिक्कत उस समय भी रही होगी। देखिए पटना के बारे में अगर बात करते हुए थोड़ा अतीत जीवी हो जाता हूं मैं, लेकिन अतीत की स्मृतियां, ये कहा गया है कि जिसके पास स्मृतियां नहीं होती वो दरिद्र होता है। तो स्मृतियां बहुत आपको धनी बनाती हैं, खास तौर पर जो सृजन की दुनिया है उस दुनिया में स्मृतियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं जब से पुराने दिनों की ओर लौटता हूं तो उससे पहले जो हमने स्मृतियों, जिन स्मृतियों को लोगों से सुना, पटना एक बहुत गतिशील, बहुत ही वाइब्रेंट, जिसको आप कहिए शहर रहा है साहित्य और संस्कृति के मामले में। ये वो शहर रहा है जहां आचार्य ऋषि पूजन सहाय, नलिन बिलोचन शर्मा
और भी मैं नाम गिनाऊं तो तमाम बड़े महत्वपूर्ण लोग यहाँ हुए, पटना में, बिहार में हुए, चारों तरफ हुए। मुजफ्फरपुर एक केंद्र रहा, आरा बड़ा केंद्र रहा साहित्य का, भागलपुर बड़ा केंद्र रहा, खासतौर पर बंगाल के बहुत निकट होने के कारण बंगला साहित्य का केंद्र रहा, वहां बंधुर हुए, शरदचंद का आना जाना था। फिर पूर्णिया हुआ जहां सतीनाथ भादुड़ी हुए और जहां के फणीश्वरनाथ रेणु हैं, तो वह वातावरण जो था जब हम लोग आकार ले रहे थे, हम लोग पैदा होकर के सड़कों पर अभी उतरे ही थे, तो वह सांस्कृतिक रूप से भी बहुत संपन्न समय था। तमाम आंदोलन चल रहे थे, जो सामाजिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है, वे भी बहुत गतिशील थे, जो आज आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो वह दौर पटना का ऐसा था कि यहाँ कई महत्वपूर्ण लेखक रहे थे, जिनके चलते जो देश के दूसरे हिस्सों में हिंदी और दूसरी भाषाओं के लेखक थे, उनका निरंतर आना जाना लगा रहा था। इसी पटना में हम लोगों ने रघुवीर सहाय को देखा, उनसे मिले, निर्मल वर्मा को देखा, उनसे मिले, मनोहर श्याम जोशी को देखा, उनसे मिले। ऐसे मैं तमाम लेखकों के, बड़े लेखकों के नाम गिना सकता हूँ, जिनसे विष्णु प्रभाकर आए, आवारा मसीहा लिखने के बाद उन्होंने पटना की यात्रा की थी, तो इन तमाम बड़े लेखकों से मिलने, उनसे बातें करने, भीष्म साहनी आए, इन तमाम लोगों से मिलने का अवसर मिलता था। जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन थे वे भी सक्रिय थे। तो वह दौर ऐसा था कि उस समय आलोक धनवा, जिस समय मैं सक्रिय हुआ, आलोक धनवा का बहुत ही यश हो चुका था, बहुत कम उम्र में वो पूरे देश भर में पहचाने जा रहे थे। अरुण कमल की कविताएं देश भर में पढ़ी लिखी जा रही थी। कर्मेंदु शिशिर थे नए लेखकों में, उस समय के लेखकों में भृगुनंदन त्रिपाठी थे, जो आलोचना के क्षेत्र में जिन्होंने काम शुरू किया, हालांकि बाद में वे काफी निष्क्रिय हो गए, सक्रिय है लेकिन अध्यापन की दुनिया में सक्रिय रहे, शिक्षक के रूप में ज्यादा सक्रिय रहे। इस तरह से एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार हुई। लगातार प्रगतिशील लेखक संघ की बैठकें लगातार यहाँ होती थी, गोष्ठियां होती थी, बाहर से लोगों का आना जाना रहता था। तो ये जो उसको मैं वाइब्रेंट दुनिया कह रहा हूँ, स्पंदित संसार कह रहा हूँ, वो कॉफी हाउस था। और कॉफी हाउस में लगातार जो इतने बड़े लेखक थे, रेणु जी बैठा करते थे, नागार्जुन जब भी पटना में होते थे कॉफी हाउस में होते थे, या नागार्जुन जब भी पटना में होते थे मेरे जैसे और तमाम नए लड़कों के लिए, नए लेखकों कवियों के लिए वे उपलब्ध थे, सहज सुलभ थे वे। तो इस तरह एक पूरी दुनिया थी जिसमें एक आपसी संवाद था, एक रिश्ता था, लोग एक दूसरे को पढ़ते थे, मिलते थे, जुलते थे, एक पारिवारिकता भी विकसित हुई साथ साथ, जो आज तक चल रही है। नंद किशोर नवल थे जो उस समय के शिक्षक भी थे और हिंदी के बड़े आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित थे और हुए, डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर। इस तरह एक पूरी दुनिया थी, भरी पूरी। आज वो दुनिया लगभग उजड़ चुकी है, कुछ लोग शीर्ष हैं, कुछ लोग दिल्ली चले गए, आज पिछले दिनों कर्मेंदु शिशिर भी यहाँ से दिल्ली चले गए। अब शहर में बहुत कम लोग और देश प्रीत में हमारे बाद ठीक बात लिखना शुरू करने वालों में और देश प्रीत संतोष दीक्षित जैसे लोग हैं, कुछ कवियों का संसार गद्य लिखने वाले तो बिल्कुल नई पीढ़ी में नहीं आए, नाम मात्र का आए हैं। हाँ, कवियों की दुनिया पटना में, नए कवियों की एक दुनिया विकसित हुई है, कई नए कवि आए हैं, अंचित हैं, उपांशु हैं, उत्कर्ष हैं, पटना के पास में रहती हैं नताशा हैं, और भी बिल्कुल नए लड़के, थोड़ा उनसे पहले डॉक्टर विनय कुमार हैं जिनकी कविताएं इधर बहुत चर्चा में रही है, यक्षिणी पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक काव्य संकलन आया है। इस तरह से एक दुनिया है और सबको अपने यौवन के दिनों की दुनिया ज्यादा प्यारी होती है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है, दुनिया खत्म कभी नहीं होती, उसके रूप और रंग बदलते रहते हैं, उसका प्रभाव बदलते रहता है, उसका आकार बदलते रहता है। तो नए लोग हैं, नए लोग आ रहे हैं, जो यहाँ टिक पा रहे हैं वो तो यहाँ है और वो सक्रिय है और वो देश की जो मुख्य धारा है साहित्य की उसमें शामिल है। तो लेकिन
यह जरूर है कि तो पूरी दुनिया बदल गई है, मनुष्य का मनुष्य से रिश्ता कमजोर हुआ है, तो वैसे में वैसी गतिविधियां या वैसी हलचल नहीं है, इसमें कहीं दो राय। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों के समय में जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन थे वे बहुत तेज थे, बहुत तीव्र थे। आज अपने दोहरेपन के कारण कहिए, दोहरे चरित्र के कारण कहिए, राजनीति से आम आदमी का मोह भंग हुआ है और बहुत हद तक संस्कृति कर्मियों का, लेखकों का भी मोह भंग। जब मैं राजनीति से मोह भंग की बात कर रहा हूं तो मैं दलीय राजनीति की बात कर रहा हूं, राजनीति के उस राजनीति, क्योंकि हर आदमी को राजनीतिक होना पड़ता है। जब राजनीति यह तय करती है कि रोटी मैं जो खाऊंगा उसकी कीमत क्या होगी, तो एक लेखक राजनीति से अलग नहीं या निरपेक्ष नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति जिसको मैं कहूं कि जो सक्रिय राजनीति होती है, जिस तरह जो सतह पर दिखाई पड़ती है, जिससे सत्ता बनती और बिगड़ती है, उस राजनीति के प्रति लेखकों का, संस्कृति कर्मियों का बड़े स्तर पर मोहबंध हुआ है। इसमें राजनीतिज्ञों के चरित्र के दोहरेपन का की भूमिका बहुत बड़ी है। तो जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है, ये जब आपके समाज में कमजोर पड़ते हैं या नहीं होते हैं, एक लेखक या संस्कृति कर्मी या जो सामाजिक बदलाव के जितने उपकरण आपके होते हैं, जितने टूल्स होते हैं, वे नहीं पैदा होते। तो आज आपको जो कमियां दिखाई पड़ रही है उसके पीछे का कारण ये है कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की बहुत कमियां है। इन देखिए, ये दोहरा काम है, दो तरफा ये सकता है। जिस तरह संस्कृति साहित्य की दुनिया राजनीति को, समाज को देती है, उसी तरह समाज और राजनीति मिलकर के लेखक और संस्कृति कर्मी भी पैदा करते हैं। जी सर, जब भी राजनीतिक मुद्दों की बात होती है और एक दल से जुड़े काम की बात होती है, तो रंगकर्मियों ने हमेशा तरह तरह के नाटक, तरह तरह के टॉपिकल फॉर्म्स को प्रेजेंट किया है, जिसके बारे में आमिर के पास भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, जुलूस नाटक के समय का। आमिर, आप लोग जिस वक्त अपने छात्र जीवन में नाटक किया करते थे, साहित्य से भी जुड़े थे, तो जब हम लोग जुलूस नाटक कर रहे थे, इतना दोबारा नाटक कर रहे थे, तो उसमें बताया गया कि उसमें आप ही एक बतावा अभिनेता उसमें काम कर रहे थे, शायद आप गुरु की भूमिका में थे उसमें। जी, तो उस वक्त जुलूस बादल सरकार जी ने उस वक्त लिखा जुलूस की प्रस्तुति हुई, पटना से बाहर भी उन्हीं सारे नाटकों को दोबारा कर रहे हैं अभी तक। क्या एक ऐसा नहीं है कि नए नाटक लिखे नहीं जा रहे, नए नाटक लिखा रहे हैं, कई बार नई स्क्रिप्ट आती है, लेकिन एक क्या डर हो गया है निर्देशकों में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाने का, कि जो एक सेफ स्क्रिप्ट है, कि ये तो अच्छे स्क्रिप्ट है, मशहूर स्क्रिप्ट है, तो इसी के साथ नाटक करते जाओ, ये एक व्यवहार हो गया। आमिर, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ, बल्कि जवाब भी बहुत हद तक आपने दे दिया। देखिए, एक अमूमन ये बात कही जाती है हिंदी में कि नए नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं, नए नाटक नहीं लिखे जा रहे हैं। देखिए, नाटक किसी भी दौर में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लिखे गए, भले तो ये एक सच्चाई है। नाटक लेखक से थोड़ा तकनीकी रूप से सक्षम होने की भी मांग करता है। पहली बात, रंगमंच के जो उपकरण है, जो टूल्स हैं, जो युक्तियां जिनको आप कहते हैं, थोड़ा बहुत अगर उसका ज्ञान होता है तो नाटक लिखना सहज हो जाता है और नाटक की सफलता भी के रास्ते भी आपको दिखाई पड़ते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि नाटक में दो मूल्य होते हैं, एक साहित्यिक मूल्य और एक उसका रंग मूल्य, नाट्य मूल्य जिसको कहते हैं। तो जिस नाटक में दोनों की मात्रा होती है, एक सही
प्रोपोर्शन में एक सही विवेक के साथ दोनों चीजें होती है, वही नाटक सफल हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लेखक नाटक के बारे में नाटक की तकनीकी पक्ष को नहीं जानता उसके नाटक किसी काम के नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे नाटक हिंदी में हैं जो अनमंचित नहीं हुए होते। तो साहब को इसी आधार पर लंबे समय तक नकारा जाता रहा कि वो मंच के योग्य ही नहीं। लेकिन जब बाबा कारंत जी ने जब स्कंद दुख किया और वो समझ हुआ तो लोगों की आंखें खुली और लोगों को लगा कि प्रसाद भी मंच के योग्य है। तो ये एक सिलसिला है। फिर एक पक्ष ये है कि क्या रंगमंच इतना सक्षम है कि हर लिखे हुए नाटक को मंच पर उतार सके, वो इतना सक्षम है, उसकी लेबोरेटरी इस लायक है कि वो परीक्षण कर सके। एक एक सवाल ये भी उठता है जो अमूमन लेखक उठाता है। तो मैंने जैसा कहा कि नाटक कभी भी ज्यादा मात्रा में नहीं लिखे गए। आज भी नाटक लिखे जा रहे हैं, कम लिखे जा रहे हैं। दिक्कत क्या है, एक फैशन चल पड़ा है हर नाटक करने वाले को, हर निर्देशक को नया नाटक चाहिए, उसको नए नाटक की भूख है। जबकि नाटक एक ऐसी चीज है कि वो जितनी बार किया जाएगा, जितने लोगों द्वारा किया जाएगा, उतनी बार वो नया होगा। एक ही नाटक को 10 निर्देशक करेगा तो वो बिल्कुल नए ढंग से करेगा, उसमें से नई चीजें ढूंढ कर लाएगा। यही नाटक की विशिष्टता है, यही नाटक की खूबी है। यहां तक कि एक ही निर्देशक, एक ही नाट्य दल, एक ही अभिनेता उस नाटक को आज करता है और कल करता है, तो दोनों प्रदर्शनों का स्वाद बदल जाता है। दोनों अलग अलग प्रदर्शन होते हैं। पहले दिन जो हुआ वही नहीं रह जाता दूसरे दिन को, उसमें अभिनेता कुछ नया जोड़ देता है। तो इस तरह नाटक कभी पुराने नहीं पड़ते। यह निर्देशक की कल्पना शक्ति, उसके विजन, उसकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि वह उस नाटक से क्या नया ढूंढ कर रहा है। आप आज हम क्यों शेक्सपियर को कर रहे हैं, आज हम क्यों संस्कृत के नाटकों को करते हैं, अगर वो हमारे किसी काम के नहीं है तो हम क्यों करते हैं। क्योंकि नाटक देखने वाला तो कहेगा कि भाई इसमें मेरा अभी का समय कहां है, अभी का समाज कहां है। तो ये निर्देशक और अभिनेता की जिम्मेदारी बनती है कि वह उस नाटक में अपना समय और अपना समाज खोज करके ले आए। पहली बात तो नाटक कभी पुराने नहीं पड़ते। नाटकों को करने के लिए हुनर की कमी पड़ी है, निर्देशकों के पास वह हुनर नहीं बचा। वे तत्काल सफलता का स्वाद उनको चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। रंगमंच पर उल्टी सीधी हरकतें करने को तैयार हैं। वे प्रयोग के नाम पर एक एक तरह से कहा जाए तो कूड़ा रंगमंच पर परोस रहे हैं। नाटकों का न होना जितना चिंता का विषय है मेरे लिए, उससे ज्यादा मेरे लिए चिंता का यह विषय है कि एक निर्देशक एक नाटक से क्या लेकर के आता है, क्या उस देखिए सफलता और असफलता जगह पर है। जब जो प्रयोग होते हैं उनका नाटक का एक दूसरा नाम प्रयोग भी है। तो ये ज्यादा ये पहली बात, पहली बात। दूसरी व्यवहारिक बात यह कहूं कि जो अभी जो एमेचर थिएटर है जो काम कर रहा है, जो शौकिया रंगमंच, क्योंकि हिंदी में व्यावसायिक रंगमंच है नहीं, प्रोफेशनल रंगमंच है नहीं, रिपोर्टीज है नहीं, उस तरह एक दो है जो सरकार के बदौलत चल रही है, वो भी बस चल रही है। तो है क्या कि जो निर्देशक है उसका कब्जा हो गया है रंगमंच पर, उसने अभिनेता को भी दूसरे दर्जे, वहां लेखक को महत्व नहीं देता। आप देखिए कि नाटक जितने ब्रोशर छपते हैं बड़े बड़े समारोह में, अधिकांश में लेखक गायब होता है। तो लेखक क्यों आपके लिए नाटक लिखेगा, वो दूसरे दर्जे की नागरिकता आपके यहाँ क्यों आप करके लेगा, क्यों नहीं वो कविता और कहानी लिखेगा। अगर आप उसको सम्मान नहीं देते, आप अपने प्रोडक्शन पर 50,000 रुपया खर्च कर देंगे, आप माइक और लाउड स्पीकर वाले को पैसा दे सकते हैं, नाटककार को उसकी रॉयल्टी नहीं दे सकते। तो ये कारण है हिंदी रंगमंच में नाटककारों की बहुत उपेक्षा। सर ऐसी घटनाएं और भी होती है, यह गुरूर पाला है। हाँ, और ये गुरूर पाला है कि रंगमंच पर हम जो चाहेंगे रच देंगे। तो रंगमंच पर आप डिजाइन के भरोसे
आप शब्दों के साथ जब तक आपका सघन रिश्ता नहीं होगा, आपका साहित्य से रिश्ता नहीं होगा। तो नाटक की दुनिया ने स्वयं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है तात्कालिक सफलता के लिए, और इसके लिए रंगकर्मियों को चिंता करनी चाहिए। जी एक तरफ जी ये पूछे जी सर, आपने एक बातचीत के दौरान एक बात कही कि एक वजह ये भी है क्योंकि संस्कृति कर्मियों का सामाजिक राजनीतिक आंदोलन से दूर हो गए, और उस वक्त काफी अपने सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में तेज था। सर मेरा सवाल यहाँ पे ये होता है कि उस वक्त अगर जो भी आंदोलन हुआ था जिसमें छात्रों को बहुत बड़ी भूमिका थी, संस्कृति कर्मियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अगर इमरजेंसी के वक्त छात्रों का आंदोलन था, तो आज भी सर सीएमआरसी जैसे प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें छात्र लोग आगे आते हैं, लेकिन छात्रों के बीच में से भी रंगकर्मी नहीं निकल के आ पाता है, उस वक्त छात्रों के बीच रंगकर्मी निकल आता है। देखिए आमिर, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति ने का चरित्र बहुत तेजी से बदला है, और जो हमारा पूरा परिवेश है अभी वो इतना बदला हो चुका है, राजनीति ने हमको इतना क्रूर और हिंसक बना डाला है कि हम अपने 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 साथ के लोगों की फिक्र नहीं करते हैं। हम उस हाथ को काट डालने को तैयार है जो हाथ हमारे हाथ को थामे हुए हैं। ये बहुत संकट की स्थिति है। धार्मिक सिर्फ पूंजी का अत्याचार नहीं बढ़ा है, सिर्फ पूंजी की नग्नता नहीं बढ़ी है, केन सत्ता पाने के लिए, किसी भी तरह सत्ता पर काबिज होने के लिए जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको भड़का करके, खास समूहों के प्रति, खास समुदायों के प्रति घृणा फैला करके राजनीति हो गई। और इसमें दोष हमारा ये है कि हमने भी वो तमाम चीजें उनकी हवाले कर दी जिन पर हमको विचार करना चाहिए थे। हमने रंग सौंप दिए, हमने अपने तमाम प्रतीकों को, तमाम जो महापुरुष थे जो हमारे जीवन में प्रतीक के रूप में आते थे और उनसे जुड़ी हुई कथाएं, उनसे उनका जीवन हमारे लिए मार्गदर्शक बनता था, हमने सब धीरे किए और वे ले भाग और आज हम छाती पीट कर रहे हैं। तो जब धर्म की इस तरह की राजनीति होती है और एक पूरे देश में एक तरह से मास हिस्टीरिया फैलाया गया, आप देखिए कि एक बहुत बड़ा तबका जो कभी इस तरह से नहीं सोचता विचारता था ना जीवन जीता था, चुपके से उसके घर में ये सारी चीजें, ये घृणा, ये हिंसा, ये क्रूरता घुस गई है। उसको पता भी नहीं चला कि कब उसके जीवन में ये हिंसा, ये घृणा शामिल हो गई। तो ये एक कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये खेल लंबे अरसे से चल रहा है और इस खेल को हम समझ नहीं पाए। जहां तक राजनीति से संस्कृति कर्मी और लेखक का रिश्ता है, ये जरूरी नहीं कि लेखक राजनीतिज्ञों का झंडा या किसी राजनीतिक दल का झंडा उठाए, लेखक का यह काम भी नहीं है। लेखक का काम, मैं जब कह रहा था कि आंदोलन खत्म हो गए सामाजिक राजनीतिक, और तो उसका असर पड़ा पर्यावरण पर, लेखकों के पैदा होने या लेखकों के तैयार होने पर, उसका अर्थ ये है नहीं था कि वह लेखक राजनीतिक दल का नुमाइंदा बनकर के कोई काम करता है। लेखक वातावरण से, लेखक जो पर्यावरण होता है उससे तैयार होता है और फिर एक पर्यावरण रचता है। वह दृष्टि विजन के स्तर पर राजनीति का उपयोग करता है, वह आपको एक सही जीवन दृष्टि देता है। जीवन दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन दृष्टि अगर आपकी महत्वपूर्ण होगी तो आप महत्वपूर्ण राजनीतिक स्टैंड का चुनाव करेंगे अपने लिए। अगर आपकी जीवन दृष्टि में ही खोट होगा तो आप किसी राजनीति या किसी संस्कृति का चुनाव नहीं कर सकते नीचे। तो इस तरह से ये हुआ कि एक पूरी की पूरी हमने अपनी अपने अपने अतीत को, हमने अपनी स्मृतियों को खोया, हम कैसा जीवन जीते रहे हैं, हम जो एक
सहकार भरा जीवन, एक साझा जीवन, एक साझी संस्कृति का जीवन जो था हमारा, उसको एक दिन में कोई नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता। आज भी और आज भी वो इतनी सत्ता या ऐसी सत्ता जो धर्म की राजनीति करती है, उसके ताकतवर होते जाने के बावजूद इसके बीज, इसके अंकुए हमारे समाज में जीवित हैं। तभी तो हम, मैं यहाँ आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो ये इसको मार डालना भी बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन यह काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। और मैं किसी ये या सिर्फ उस पर केंद्रित नहीं अपने को कर रहा हूँ, ये तो एक 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 कुफल है जो हमारे भीतर उतर करके जिसने इतने सारे बदलाव कर दिए कि हमको पता नहीं चला कि हम कब अपने ही साथ के लोगों के खिलाफ सोचने और जीने लगे। इससे बड़ा बदलाव और क्या हो सकता है? सर दूसरी सत्ता आएगी और हो सकता है कि इन निर्णयों को बदल दे। इन निर्णयों को लेकर के मेरी चिंता बहुत नहीं है, मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि हमारी जीवन दृष्टि बदलती जा रही है और हमारी जीवन दृष्टि का बदलना हमारी, हमारे समाज की, हमारे संस्कृति की, साझा संस्कृति की, मनुष्य के पक्ष में खड़ा होने वाले मनुष्यों की संस्कृति बदलना बन जाए, ये चिंता है जी। सर और चिंता की आपने अभी बात की, खास करके संस्कृति की, तो एक ख़ास एक पॉइंट था जो हम लोग यहाँ पर आपसे पूछना चाहते थे कि आपने पहले जब आपने एक यंग अपने टाइम की बात की तो हमें बताया कि आपने कैसे उस वक्त भी चिंता का दौर था, पर जब आप लोग कॉफ़ी हाउस जाते थे वहाँ का जो माहौल था, आपके दोस्तों का, आपके कलीग्स का, जिस तरह की बातें होती थी साहित्य पे, पॉलिटिक्स पर, वो कहीं ना कहीं आपको चिंता से दूर ले जाकर अपने पैशन को या जो आपको कहने की ज़रूरत है उसकी तरफ लेकर जाता था। और आज हमारे सोसाइटी में सिर्फ कैफ़े कॉफ़ी डे या मॉल्स या ऐसी जगह है जो सिर्फ शोर और भीड़ को आमंत्रित करते हैं, एकत्रित करते हैं। और आपने हमें अभी फ़ोन पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि आप अपने लैपटॉप पर जूम नहीं रखते हैं, आप अपने लैपटॉप पर स्काइप नहीं रखते हैं। तो सर ये हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि समय के साथ आपने अपना हाइजीन बरकरार रखा कि कैसे उस चीज़ को रिक्रिएट करना। सर तो जो यंग जनता देख रही है उनको अगर आप एड्रेस कर सके कि कैसे, ज़रूरी नहीं है कि वैसा समय हो, पर आप अपने एक दुनिया बना सकते हैं उसमें। कबीर, आज आपने स्काइप इंस्टॉल करवाया तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इस तकनीकी विकास के विरुद्ध नहीं हूँ, इसकी जरूरत को समझता हूँ और यह समय की मांग है और तो मैं इसको स्वीकार करते हुए जो भी बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आप लोगों का समय और मिलना जुलना बातें करना, देखिए कोई भी समय ठहरा हुआ नहीं रहता, समय को बदलना होता है। तो आज से 30-40 वर्ष पहले जो वातावरण था, जो समय था, ठीक वैसे ही समय, ठीक उसी वातावरण की मांग करना मूर्खता होगी। मैं उसकी मांग नहीं करता, मैं ठीक उसकी स्मृतियों को जी सकता हूँ, उसकी स्मृतियों के आधार पर अभी इस समय अपने लिए उपयोगी बना सकता हूं, लेकिन मैं उसकी हूबहू मांग नहीं करता, न कर सकता हूं, न किसी को मेरी समझ से करना चाहिए। समय बदले का कॉफी हाउस का वातावरण, लोगों का मिलना जुलना, वो एक अलग समय था। उस समय की जगह, हर समय की अपनी जटिलता होती है, ऐसा नहीं कि आज ही समय जटिल है, वो समय भी जटिल, हमारे समय की भी, हमारी जवानी के दिनों के भी सुख दुख थे, उस समय भी प्रेम था, उस समय भी घृणा थी, उस समय भी हिंसा थी, सब कुछ था। अब है क्या, सब से बदला है, जिस माध्यम, अपने की माध्यम, इन माध्यमों के साथ
आपका रिश्ता क्या हो, एक तो ये इस पर मैं फिर उस बात का जवाब दे दूं कि स्मृतियां हैं या हुआ जो वातावरण है, मैं उस वातावरण की मोहन नहीं कर सकता। और अभी का जो वातावरण है, जो अभी के युवा हैं, उनकी जरूरत उनकी जिंदगी के हिसाब से वो जरूरी है, सीसी दे भी जरूरी है, कॉफी हाउस का स्वरूप बदला है वो जरूरी है। आप वहां फर्क ये आया है कि जीवन जीने की दृष्टि में बदलाव आया है, वो आते गया। जो मैंने पहले सवाल के जवाब में आपसे बात की थी कि हम पहले की अपेक्षा ज्यादा लालची होते गए, ज्यादा भौतिकतावादी होते गए, हमने अपने संबंधों को मनुष्य का मनुष्य से जो रिश्ता होता है, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जो आप मित्रता की जो के जो संबंध होते हैं, हमने इन सबको धीरे धीरे खोया है, इनमें क्षरण हुआ है। मैं इसकी बात कर, अगर नई पीढ़ी धन की हिंसा यश की या रातों रात सब कुछ पा लेने की जो भूख है, उस भूख को नियंत्रित करती है, नियंत्रित कर सकती है, तो ये संबंध, यह मनुष्यता, यह जहां से आपका आपके जीवन का राग, आपके जीवन की कोमलता जहां से निश्रित होती है, निकलती है, उसको अगर आप जीवित रख पाते हैं, तो ये सारा शोरगुल, यह सारी हलचल जो कल की अपेक्षा ज्यादा है, इस हलचल का भी आप सकारात्मक उपयोग। देखिए नए नई हिंदी नए लेखक आ रहे हैं, सवाल ना पॉपुलर लिटरेचर की जो बात जी, कैसे कैफे कॉफी डे और आपका जो समय था, दोनों की एक जगह है हमारे जिंदगी में और दोनों को मिलाकर चलना है। और उसी में एक और सवाल था हमारा, एक काफ़ी कॉमन बात है जो लेखकों को बोली जाती है कि यू विल हैव टू पे योर ड्यूज, कि आपको एक स्ट्रगल करना पड़ेगा, एक मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी समय लगेगा आपको एक आर्थिक रूप में एक अच्छी जगह पर पहुंचने में। पर काफ़ी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो पॉपुलर फिक्शन देखते हैं जो इंडिया में लिखा जा रहा है, जो मेजरली अंग्रेज़ी में लिखा जा रहा है, और वो हिंदी की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, हिंदी में पॉपुलर राइटिंग नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं हमारी गलती है दर्शक के तरह कि हम लोग सही हिंदी किताबें, सही हिंदी उपन्यास, सही हिंदी कहानियाँ खरीद नहीं रहे हैं नए राइटर्स की। सर तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कबीर साहित्य के जो मूल्य होते हैं वो बाजार नहीं तय करता, साहित्य बढ़िया है, अच्छा है, खराब है, या उसके बिकने से तय नहीं होता, कम से कम हिंदी में तो नहीं होता। बेस्ट सेलर और बेस्ट साहित्य होना दोनों दो चीजें, इसको पहले मानना होगा। अंग्रेजी में जो भी लिखा जा रहा है उनमें बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन यह जानने के लिए कि आखिर क्या लिखा जा रहा है, जो कुछ मैंने पढ़ा वह पढ़ के गहरी निराशा हुई। मुझे लगता है कि अगर चेतन भगत हिंदी में लिख रहे होते तो उनको कोई छापता भी, पर उनका ट्रांसलेशन छपता है और उसको ट्रांसलेशन छपेगा बिकेगा, जब अंग्रेजी में बिक करके उनका शोरगुल मच चुका है तो कुछ भी बिकेगा उनके नाम पर। लेकिन मुझे लगता है कि कई पीढ़ियां बीत जाए फिर भी वो साहित्य में दर्जा उनको नहीं मिलेगा। इसके पैरेलल हिंदी में भी पॉपुलर लिटरेचर की एक परंपरा शुरू हुई, कई नए और युवा लेखक एक नई भाषा हिंदी का नया स्वरूप लेकर के और कहने का नया अंदाज लेकर के सामने आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे जो हिंदी का जो साहित्य है उस साहित्य के मुकाबले में वो पूरी तरह खड़े हैं और बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा कि वो खराब है। वे चेतन भगत जैसे लेखकों की अपेक्षा कई गुना बढ़िया, प्रभात रंजन की किताब आई कोठापुरी मुजफ्फरपुर की वेश्याओं के जीवन पर है, कोठों पर है वो किताब, और वो पॉपुलर लिटरेचर की श्रेणी में उसको रखा गया और वो खूब बिकी, खूब पढ़ी गई,
वह किताब मैंने भी पढ़ी और वो लाजवाब किताब है। इसी तरह पंकज दुबे नाम के लेखक आए, दिव्य प्रकाश दुबे हैं, अनु सिंह चौधरी हैं, और मैं कई नाम गिना सकता हूं, कई नए लेखक आए, इनकी किताबें छप रही हैं, हजारों की संख्या में बिक भी रही हैं। मेरी या दूसरे लेखकों की किताब की अपेक्षा कई गुना ज्यादा इनकी किताबें बिक रही हैं। इनका एक अपना पाठक वर्ग है, इनका एक अपना पाठक वर्ग है, तो हिंदी में भी ये काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, और अंग्रेजी से बेहतर है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो अंग्रेजी के लेखक हैं, जो युवा लेखक हैं, वो भारतीय समाज की का जो यथार्थ है उसके सतह को सिर्फ देख पा रहे हैं। अपेक्षाकृत इनके जो हिंदी के पॉपुलर राइटर हैं वो सतह से नीचे हैं, थोड़ी गहराई में जाकर जीवन को समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं, नई भाषा रचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनके उनके इस प्रयास की सराहना करता हूं। और साहित्य में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है इसको समय तय करता है, उनको कितना दीर्घ जीवन मिलता है, कितना लंबा जीवन मिलता है, इससे तय होती है चीजें। तो अभी उनका समय है, अभी उनके मूल्यांकन का उस तरह समय नहीं आया है कि हम आज ही ये तय कर दें कि ये खराब है या ये श्रेष्ठ है। लेकिन हिंदी में काम हो रहा है, और मुझे जो लगता है व्यक्तिगत रूप से, मैं जो महसूस करता हूं कि ये अलग किस्म का काम है जो शायद मैं न कर पाऊं, मेरे पास उसकी प्रतिभा नहीं है। तो मेरे पास अगर उसकी प्रतिभा नहीं है तो मैं उस काम की निंदा करने का भी अधिकारी हूं। मेरा ये मानना है कि वो काम हो रहा है, और बहुत धैर्य के साथ हमको उस समय का इंतजार करना चाहिए। और एक बड़ा पाठक वर्ग हिंदी में, मैंने जिन लेखकों का नाम दिया, वे और उनके साथ एक बड़ा समूह है लेखकों का, वे सब मिलकर तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सर। और इसके थ्रू एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट आपने हमें दिया, जो हम लोग पूरे पॉडकास्ट आपसे पूछना चाह रहे थे, कि सर जब कहानी की बात आती है और कहानी के मर्म, कहानी के डेप्थ की बात आती है, तो उसका जो एक लेंस है कि कैसे हम लोग तय करें कि ये कहानी डीप इनफ है, इस कहानी में उतनी गहराई है जितनी ज़रूरत है, तो उसका लेंस सर क्या होगा? क्या वो लेंस सब्जेक्ट मैटर होगा, वो लेंस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा, वो लेंस समाज से उसका जुड़ाव, उसका रेलेवेंस होगा, या उसका लेंस सब कुछ से एक मिला जुला होगा? सर तो उससे एक लेखक के नज़रिए से आपको क्या लगता है सर? कबीर, किसी भी रचना को, कहानी हो, उपन्यास हो, कविता, उसका उसको वह आपके लिए कितना है, आपका जीवन उसमें कितना अभिव्यक्त हुआ है, आप जब से कहीं जोड़ पाए कि नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसके चरित्र है ना, उसमें जो विचार है, इस सबको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। रचना एक पाठक के ऊपर समग्रता में क्या प्रभाव डालती है, आप ही उसमें अपनी छवि, आपके जीवन की कोई छवि, आपकी कोई स्मृति, आप कहीं से कोई भी सिरा आपसे जुड़ता है कि नहीं, आप उसके माध्यम से अपने को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, अपना कोई पुनराविष्कार कर पा रहे हैं कि नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। रचनाएं वही जीवित रहती हैं, वही उस वही पाठक के मन और में बसी रहती हैं, वही समाज में लंबा जीवन जी पाती हैं, जो पाठकों के जीवन से जुड़ती हैं। जीवन से जुड़ने का अर्थ यह नहीं हुआ कि आपके जीवन की ही हूबहू वो कथा, आपसे कहीं जोड़ती है कि नहीं, कहीं कुछ भी ऐसा है कि नहीं जो आपको आपको आपके मनुष्य के छूता हो, आपको स्पर्श करता हो, एक हल्की सी छुअल भी उस रचना की उसको सार्थक बना देगी अगर वो आपको छू सकती है, छू पाई है तो। मेरी समझ से रचना को मापने का, रचना को परखने का जो मायार है वो यही होना चाहिए कि वह पढ़ने वाले के कितने करीब है। जी
और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अब हम लोग एकदम अपने बातचीत के अंतिम क्षण में पहुंच चुके हैं और हम लोग से एक निवेदन करना चाहेंगे कि जाने से पहले अभी हाल फिलहाल में कोई कविता कोई कहानी जो सर के काफी ज्यादा करीब हो जो सर हम युवाओं से साझा करना चाहें तो वो प्लीज हम लोग से साझा दें। कहानी सुना पाना तो साझा कर पाना तो संभव नहीं और इन दिनों वैसे मैं कविताएं ज्यादा पढ़ता हूँ, लिखता गद्य जरूर हूँ लेकिन मैं पढ़ता कविताएं ज्यादा हूँ। तो पिछले दिनों मैं कुंवर नारायण को पढ़ रहा था और उनको बार बार पढ़ता हूँ और भी कई महत्वपूर्ण कवि हैं हमारी भाषा के जिनको मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। तो उनकी कविता किसी कविता का एक छोटा सा अंश आपको सुनाऊंगा लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगा कि अभी मैंने दो उपन्यास पढ़े जो उस एक तो वंदना राग का उपन्यास आया है विषाद पर जुगनू, यह एक अनूठे विषय पर केंद्रित उपन्यास है। चीन से भारत की जो संबंध रहे हैं आप देखिए अभी जो दौर है अभी जो जिस तरह चीन से हमारे रिश्ते बिगड़े हैं या बिगाड़े गए हैं जो भी कह लीजिए उस दौर में इस उपन्यास का आना बहुत महत्वपूर्ण है कि चीन से भारत की जो व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते थे आजादी से पहले उस पर ये उपन्यास केंद्रित है। इसलिए बड़ा ही रोचक उपन्यास है, बहुत अच्छी भाषा में लिखा हुआ उपन्यास है और इसमें पटना खास तौर पर इस उपन्यास में जीवित है। आप सबको मालूम होगा कि पटना कलम नाम की एक चित्र शैली रही है अंग्रेजों के जमाने में जिसके चित्रकार खास तौर पर पटना का जो पुराना इलाका है पटना सिटी का उसमें रहा करते थे और पटना शैली पटना कलम के कई चित्र आज विदेशों के संग्रहालयों में संरक्षित हैं। तो उसमें वो पटना कलम का भी अच्छा खासा हिस्सा है उसका जिक्र है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास आया। दूसरा उपन्यास अभी संतोष दीक्षित का आया घर बदर मध्यवर्गीय जीवन की कथा है और वो भी पटना पर केंद्रित है क्योंकि संतोष जी पटना के लेखक। इन दो उपन्यासों को अभी मैंने पढ़ा है और ये मुझे बेहद पसंद आए हैं दोनों उपन्यास और लोगों को भी पसंद आ रहे हैं। तो मैंने मुझे कुछ अंदाजा था इस तरह का कि कविता का कोई अंश शायद मुझे सुनाना पड़े तो एक छोटी सी कविता मैं पूरा नारायण की आपको आपके लिए सुना रहा हूं। लोगों की कतार में इस कविता का शीर्षक है। लोगों की कतार में ये तीर तरकस तलवार ये तीर तरकस तलवार ये जय घोष ये गुणगान इनकी आकांक्षाओं से परे सुखद है ये नंगे सिर नंगे पांव की यात्रा। इनकी आकांक्षाओं से परे सुखद है ये नंगे सिर नंगे पांव यात्रा। स्वीकार करता हूं कि मैं सूरमा नहीं साधारण स्वीकार करता हूं कि मैं सूरमा नहीं साधारण हूं। क्या करूंगा शरीर पर घाव और टूटे फूटे हथियार बटोर कर क्या करूंगा शरीर पर घाव और टूटे फूटे हथियार बटोर कर सविनय खड़ा हूं सबके साथ सविनय खड़ा हूं सबके साथ घातों प्रतिघातों से उबे हुए लोगों की कतार में घातों प्रतिघातों से उबे हुए लोगों की कतार में वे जो आए थे युद्ध से पहले ही वे जो आए थे युद्ध से पहले ही अपने खेमे तमगे और शर्तनामा लेकर निराश लौट गए वीडियो आए थे युद्ध से पहले ही अपने खेमे तमगे और शर्तनामा लेकर
निराश लौट गए लड़ाकों और लड़ाइयों के प्रति दाह न पाकर। दुश्मनी को प्यार से निरस्त कर देने और धर्म प्रस्ताव पर देख कर मेरे हस्ताक्षर पूरे संदेह हुआ मेरी निष्पक्षता पर। को प्यार से निरस्त कर देने वाले अयुद्ध प्रस्तावों पर देख कर मेरे हस्ताक्षर पूरे संदेह हुआ मेरी दुश्मनी को प्यार से निरस्त कर देने वाले अयुद्ध प्रस्तावों पर संदेह हुआ मेरी निष्पक्षता पर। दुश्मनी को प्यार से निरस्त कर देने वाले अयुद्ध प्रस्ताव पर देखकर मेरे हस्ताक्षर उन्हें संदेह हुआ मेरी निष्पक्षता उन्हें संदेह हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोगों के साथ इतनी खूबसूरत कविता साझा करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। आमिर और कबीर आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बातचीत की और ये बड़ी सुखद बातचीत रही। खास तौर पर आप दोनों युवा हैं और हमारी उपस्थिति तभी सार्थक है वो है कि आप दोनों हैं, आपकी उपस्थिति से ही हमारी उपस्थिति सार्थक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। लोग इप्टा के परिवार की तरफ से अपने दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। दर्शकों, आपसे मुलाकात होगी अगले रविवार बिहार इप्टा के लाइव पॉडकास्ट के अगले संत कलम जी। तब तक गुड नाइट।